चार शनिवार जारी है और दूसरे मुकाबले में वॉर ऑफ स्टार्स की देखने की उम्मीद है, जहां पर माइटी मनिंदर के सामने है हाई फ्लायर पवन। 1397 रेट पॉइंट्स माइटी मनिंदर के, पवन उनसे कुछ ही पॉइंट्स दूर। पिछले 5 मुकाबलों में एक मैच जीता था तेलुगु टाइटन्स ने यूपी योथास को हराकर, लेकिन उसके अलावा 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके सामने बड़ी चुनौती लेकर आएंगे माइटी मनिंदर अपने घर पर। निराशाजनक शुरुआत हुई है बंगाल लेग की, पिछले 5 मैचेस में से एक ही मुकाबले में जीत का सामना कर पाए, लेकिन आने वाले मैचेस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी बंगाल वॉरियर्स को अगर प्लेऑफ्स की उस कश्मकश में रहना है बरकरार। ड्रीम 11 स्टार्टिंग 7 बंगाल वॉरियर्स, मनिंदर सिंह, नितिन कुमार, एम विश्वास को आज मौका मिला है, वैभव गर्जे, जसकिरत सिंह, शुभम शिंदे और हर्ष लाड। फ्लायर पवन शेरावत, अगर आप प्रो कबड्डी का जिक्र करें तो नंबर 3 रेडर हैं, 1138 रेट पॉइंट, तकरीबन 10 के आसपास इनका रेट पॉइंट का औसत है। लेकिन ड्रीम 11 प्लेयर टू वॉच आउट फॉर, अपने घर पर माइटी मनिंदर 1397 रेट पॉइंट्स, 1400 का वो आंकड़ा कर सकते हैं पूरा। ये मैच होने वाला है बेहद दिलचस्प। और अब से कुछ देर पहले टॉस हुआ, तेलुगु टाइटंस ने टॉस जीता, पहली रेट बंगाल वॉरियर्स की। बंगाल वॉरियर्स अपने घर पर जीत की उम्मीद के साथ, प्लेऑफ्स में जगह बनाने की उस उम्मीद के साथ, लेकिन तेलुगु टाइटंस उन मुरादों पर फेर सकते हैं पानी। पहली रेट में आए हैं यहां माइटी मनिंदर, 1400 पॉइंट से केवल 3 रेट पॉइंट दूर। मनिंदर पर बहुत दारोमदार होगा और शुरुआत में ही मनिंदर का शिकार हो गया। तेलुगु टाइटंस के डिफेंस ने माइटी मनिंदर की माइट को चैलेंज कर दिया। पहली रेट में वो कॉम्बिनेशन देखने मिला हमें, मिला जबारी और अजीत पवार चेन लेकर आए थे, जिस तरह से वो टैकल किया, एक अलग इंटेंट नजर आ रहा है आज तेलुगु टाइटंस की तरफ से। बिल्कुल, कम से कम शुरुआत में तो उसके दीदार हुए हैं, बाद में वो सिलसिला जारी रख पाएंगे या नहीं। पवन शेरावत जा रहे हैं रेत पर, मिला जब्बारी को आज स्टार्टिंग 7 में शामिल किया गया है। पवन शेरावत रेत पर, माइटी मनिंदर पहली रेट में कोई भी कमाल नहीं कर पाए, हाई फ्लैट पवन क्या कर पाएंगे। लेफ्ट कॉर्नर के नीचे से बोनस लेने की कोशिश की और उसके बाद लगातार अपने फुटवर्क के साथ रिदम बिगाड़ने की कोशिश, पवन शेरावत भी बाहर, डैश आउट। वैभव गर्जे ने यहां पर कमाल किया, मनिंदर भी बाहर, पवन शेरावत भी बाहर, दोनों बड़े खिलाड़ी को पहली रेड में टैकल करते हुए, पवन शेरावत को पहली रेड में बोनस करने की कोशिश थी, कामयाबी ना मिली। स्टार्टिंग 7 में है आज प्रफुल्ल जावरे, वजह बिल्कुल साफ है, पिछली बार सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे और 5 रेड पॉइंट लेकर गए थे। और आज शुरुआत में हमने सुना था माइटी मनिंदर की शक्ति, भारी पड़ी पॉइंट मिला, बंगाल वॉरियर्स नंबर 33 आउट। अब रोकना मुश्किल है मनिंदर को, अगर एडवांस जाओगे तो मनिंदर हावी हो जाएंगे और वही हुआ, मिलाद बहुत ज्यादा एडवांस गए थे, वो चेन लेकर जाते तो शायद कामयाबी मिलती। शुरुआत हो चुकी है जंग की, वॉरियर्स अभी लीड कर रहे हैं लेकिन अभी सिर्फ शुरुआत है। प्रफुल्ल जावरे डैश आउट कर दिए गए, बढ़िया डैश यहां पर, वॉरियर्स बेहतर खेलते हुए कम से कम शुरुआती लम्हों में। रनिंग हैंड टच की कोशिश थी, इन पोजीशन पे वो टच किया था पर डैश सही समय पे आया वैभव गर्जे का। 2 पॉइंट्स की लीड बंगाल वॉरियर्स के पास और अब आए हैं नितिन कुमार, शानदार प्रदर्शन किया था पिछले मैच में, सबसे जबरदस्त रेडिंग यूनिट एक तरीके से हम कह सकते हैं, लेकिन यहां पर कमजोर रेड। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस, नितिन का शिकार हुआ। तेलुगु टाइटंस ने आज कमजोर शुरुआत नहीं की है रिशा, बिल्कुल एक पॉजिटिव इंटेंट नजर आया आज तेलुगु टाइटंस की तरफ से। डू और डाई रेड में ओमकार पाटिल आए हैं, क्या किसी तरह इस फासले को कर सकते हैं कम, संघर्ष करते जा रहे हैं, 15 सेकंड व्यतीत कर लिया है बिना किसी टच के और यही खामियाजा भुगतना पड़ा, फिर से डैश आउट, जसकीरत आए थे इस बार। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर, बहुत ही जबरदस्त टैकल लिए ओमकार पाटिल, डीप चले गए थे, हर्ष लाड ने वो जंप करके मोमेंटम तोड़ा और जसकीरत वैभव गर्जे चेन लेकर आए थे। अब देखिए यहां पर एक समझदारी हुई, हर्ष लाड को लेकर के आए, हर्ष लाड को कल भी शामिल किया गया था
लेकिन कॉर्नर के तौर पर नहीं। जब आप पांच का डिफेंस खेलते हैं तो तभी खिलाना चाहिए जब आपके बीच बेहतर तालमेल हो। हर्ष लाठ कल एकदम ऑफ कलर थे, आज बेहतर खेलते हुए कॉर्नर पर। बिल्कुल संजय, और हर्ष लाठ का पहला मुकाबला मुझे याद है जब वो टीम में खेले थे, बहुत ही बेहतरीन 8 टैकल पॉइंट कमाए थे, पर उसके बाद से वो स्पार्क दिखाने उनमें। तीन गुने का फासला थोड़ा सा कम होगा, बेटर से 1 पॉइंट प्रफुल्ल साबरे को यहां पर पॉइंट मिला है। और जसकीरत सिंह की गलती, फिर से वो एडवांस टैकल करने की कोशिश, कामयाबी मिली प्रफुल्ल साबरे को। बंगाल वॉरियर्स जब पिछली बार तेलुगु टाइटन के खिलाफ खेले थे तो 4 डिफेंडर्स ने मिलकर 19 पॉइंट्स कमाए थे। इस सीजन की सबसे जबरदस्त डिफेंस की पारी थी वो, यहां तेलुगु टाइटन्स का डिफेंस टूट पड़ा माइटी मनिंदर के ऊपर। 1 पॉइंट तेलुगु टाइटन्स। मनिंदर पे आज हावी होके खेल रही है तेलुगु टाइटन्स की डिफेंस। वो पहला टैकल देखा था हमने, पावरफुल टैकल देखने मिला, और यहाँ पे चेन लेकर आए थे मोहित राठी, बेहतरीन टैकल। ये है डू और डाई रेड, डू और डाई रेड, यानी कि बिना किसी पॉइंट के वापस नहीं आ सकते हैं मनिंदर सिंह। बोनस इनके लिए ऑन नहीं है, बाहर का डिफेंस है, 2 पॉइंट्स लेकर आए मनिंदर। 2 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स, बहुत ज्यादा एडवांस गए मोहित राठी मनिंदर के लिए, और एसके बेहतरीन मनिंदर का। और इसके साथ ही मनिंदर ने 1400 रेड पॉइंट्स का जो आंकड़ा है उसे पार कर लिया। डू और डाई रेड में लगा कि वो बोनस लाइन क्रॉस हो गया है। नितिन कुमार, रॉफ सुपर टैकल की परिस्थिति है, पिछले मैच में, पिछले 5 मैचेस में 47 रेड पॉइंट्स नितिन के, यहां पर सुपर टैकल की कोशिश, सुपर टैकल के लिए स्ट्रगल अभी भी जारी है। रॉफ सुपर टैकल किया पूरा, मगर की जगह से बचना है मुश्किल। बहुत ही पावरफुल टैकल ये मिला जबरी की, अपने आप को मैच पर बनाए रखा, वेट किया नितिन के आगे दौड़ने का, और वही अटैक किया, पैरों पे जाके रोका नितिन को मिला जबारी ने। खूबसूरत तरीके से बंगाल वॉरियर्स के डिफेंस ने उस बोनस लाइन को भी घेर कर रखा था। एक बार फिर से रॉफ सुपर टैकल की स्थिति है, लेकिन इस बार आए हैं मनिंदर सिंह, चाहेंगे कि ऑल आउट के करीब पहुंचा दे, लेकिन एक और रॉफ सुपर टैकल पूरा होता हुआ दिख रहा है। स्ट्रगल अभी भी जारी, तेलुगु टाइटन्स का डिफेंस जबरदस्त कमबैक करने की कोशिश, एक और रॉफ सुपर टैकल, मगर की चक्कर से बचना है नामुमकिन। और इस बार मनिंदर का शिकार किया मिलाद ने, फिर से पैरों पर गए थे मिलाद, मोमेंटम तोड़ा मनिंदर का, बहुत ही बेहतरीन टैकल ये। वॉरियर्स की तुलना में बेहतर डिफेंस के पॉइंट्स हैं टाइटंस के अब तक। वॉरियर्स इस सीजन में सबसे कमजोर डिफेंस है उनका, और ये डैश आउट किया गया, डिफेंस की चर्चा हुई और यहां कामयाबी मिली एक बार फिर। हर्ष लाड़ गए थे, नंबर 3 आउट, यहां पे 1 पॉइंट ईच दिया है, बिल्कुल विश्वास जो है उनका बैलेंस गया, वो एंड लाइन को पार कर गए। बिल्कुल व्हाइट लाइन को क्रॉस किया नहीं था ऐसा लगा, और यहां 4 का डिफेंस, लीड थोड़ी सी कम हुई है लेकिन उसे फिर बढ़ाने की कोशिश, शानदार तरीके से गए लॉबी में और बाहर किया मिलाद जब्बारी को। अच्छा ये रनिंग हैंड टच नितिन कुमार का, वेट करके गए, अभी वो डायरेक्ट अटैक करते हुए दिखे नहीं हमें, इसके पहले डबल थाई होल्ड किया था मिलाद जब्बारी ने उनको ही, बहुत ही चालाकी भरी रेड नितिन की। तो बेहतरीन साथ दे रहे हैं नितिन कुमार माइटी मनिंदर का, लेकिन डिफेंस को चलना होगा, और आज डिफेंस बेहतर करके दिखा रहा है कल के मुकाबले से अगर तुलना की जाए तो, एक नमूना उसका, सटीक नमूना हमारे सामने। 1 पॉइंट बंगाल वॉरियर्स, पूरी तरह से ब्लाइंड साइडेड हो गए थे ओमकार पाटिल, रनिंग बोनस की कोशिश थी पर वैभव गर्जे ने उठाई करके रोका, और कॉम्बिनेशन पूरे टीम का डिफेंस में, बढ़िया डिफेंस था यहां पर, एक अच्छी तकनीक और अंदर घेर करके इस टैकल को कामयाब किया। नो प्रॉब्लम, ग्रीन कार्ड दिया गया जसकीरत को, जसकीरत के लिए ये सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, उन्हें मौके काफी मिले और
दस मैचेस में से पहले सिर्फ 13 पॉइंट ऑल आउट की एक बार फिर दहलीज पर है ये टीम। अब सिर्फ एक खिलाड़ी बाकी है टाइटंस का, बंगाल वॉरियर्स नंबर 10 आउट। नितिन कुमार इस सुपर टैकल के सिद्धि से सफलतापूर्वक बाहर निकल कर आए, पहले यहां टच करने की कोशिश की, उस डैश आउट की कोशिश से खूबसूरती के साथ निकले, एक और टच पॉइंट चाह रहे थे लेकिन इंतजार किया उन्होंने क्योंकि अब यहां ऑल आउट की उम्मीद बरकरार है। इस रेड में आए हैं संजीवी सब्स्टिट्यूट के तौर पर अपनी टीम को ऑल आउट के उस खतरे से बचाने की उम्मीद में। बोनस उनके लिए ऑन है, बोनस का अटेम्प्ट भी किया संजीवी ने। बिल्कुल संजीवी को स्टार्टिंग सेवन में आज जगह नहीं मिली, दावा है जसकीरत पर निशाने का। बोनस प्लस 1 पॉइंट तेलुगु टाइटंस नंबर 13 आउट। वन टच पॉइंट, बोनस प्लस 1 पॉइंट, प्लीज रिव्यू। अलग अलग एंगल से देखा जाएगा और अगर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तो कई बार ऑन फील्ड डिसीजन के साथ टीवी एम्पायर को जाना होता है, लेकिन यहाँ पर काफी दूर लग रहा है जसकीरत का शरीर। संजय दा रिव्यू सक्सेसफुल, नो टच पॉइंट, ओनली बोनस पॉइंट। बिल्कुल सिर्फ बोनस मिला, कैप्टन यू हैव रिटेन योर हाथ से निकल गया पूरा कुश्ती ऑल आउट हुए। अब तेलुगु टाइटंस जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है, ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं। पवन सहरावत फिर अंदर आए हैं, टीम के मेन खिलाड़ी है पवन, पॉइंट स्कोर करेंगे तो शायद वो प्रेशर बन सकता है सामने वाली टीम के ऊपर। और ये टैकल बहुत ही खूबसूरत पवन सहरावत को, ये करते हमने बहुत बार देखा है, जबरदस्त टैकल ये पवन सहरावत का। बिल्कुल अद्भुत टैकल, इस तरीके से इतना एडवांस टैकल किया था लेकिन इतना कॉन्फिडेंट वो टैकल था। शुभम शिंदे पर शूट करना चाहते थे, पवन ने कहा आइए करिए, स्वागत है आपका। क्या दमखम है शरीर के अंदर ये प्रदर्शित किया उन्होंने, हाथ पकड़ के खींच लिया लेकिन यहां डिफेंस ने बदला ले लिया, पवन सहरावत को टैकल किया, बाहर जाना पड़ेगा एक बार फिर। यहां पे 1 पॉइंट ईच नंबर 5 दिया गया है, वैभव गर्जे भी बाहर जाएंगे, पवन सहरावत भी। बिल्कुल इससे पहले रविंदर पहल को भी हमने इस तरह से टैकल करते देखा है और ये एक अद्भुत टैकल होता है, आप किसी को हाथ पकड़ करके अगर रोक लेते हैं तो ये बताता है कि आपके शरीर में दमखम कितना है, हाथ पकड़ करके अंदर खींच लेना ये काबिले तारीफ है। और इन सबके बीच माइटी मनिंदर एक और पॉइंट लेकर आए, लेफ्ट कॉर्नर का शिकार किया और बंगाल वॉरियर्स के लिए 12 पॉइंट की अब लीड हो चुकी है। हर एक मुकाबले में जीत हासिल करना जरूरी और बड़े फासले से अगर जीत हासिल करें तो सोरे पर सुहागा होगा। 12 पॉइंट्स की लीड और यहां आए प्रफुल्ल जावरे एक पॉइंट की कोशिश करते हुए। हाफ टाइम चेंज द कोर्स, तो हाफ टाइम तक तीन बड़ी कहानियां इस प्रकार है कि बंगाल के रेडर्स ने टाइटंस पर लगातार अपने दबाव को बरकरार रखा, 12 रेड पॉइंट्स आए उनकी ओर से तेलुगु टाइटंस को और अब इस रेड के साथ करना चाहेंगे शुरुआत। बिल्कुल ओमकार पाटिल आज कुछ खास पर सराहने पर यहाँ पे हल्की सी उम्मीद बनी थी और थोड़ा स्ट्रेच करते तो मिड लाइन को पार कर जाते, अपने आप को होल्ड करके रखा ओमकार पाटिल ने। कुल मिलाकर 4 बार आउट हुए पवन सहरावत, सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं उनके नाम और एक जबरदस्त टैकल पॉइंट भी। दुर्भाग्य है कि ऑल इन होने के बाद ही आते हैं लेकिन यहां पर डिफेंस बेहतर करता हुआ उम्मीद देते हुए मिला जबारी, जो हाई फाई पूरा कर चुके हैं, एक और पॉइंट लेकर आए और पवन सहरावत को रिवाइव भी किया। बिल्कुल मिलाद फिर से वो पैरों पर गए नितिन कुमार के, कॉम्बिनेशन देखने मिला, हालांकि जल्दबाजी कर गए थे अजीत पवार, कामयाबी मिली मिलाद को। डू ऑर डाई रेड में आए हैं यहां पर पवन सहरावत, आपकी जगह प्रफुल जावरे और एक पॉइंट लेकर आए बेहतरीन तरीके से। प्रफुल्ल जावरे लंबा हाथ खींचा था और अच्छी बात यह है कि टैकल करने गए हर्ष लाड पूरी तरह से उन्हें ग्रिप मिली नहीं और लाभ मिल गया प्रफुल्ल जावरे को। प्लेऑफ एलिमिनेटर 26 फरवरी, सेमीफाइनल 28 फरवरी और चैंपियन मिलेगा 1 मार्च को। और यहां मनिंदर का 6ठा रेड पॉइंट है आज के इस मुकाबले में और ये गिफ्ट कर दिया अंकित ने मनिंदर को वो पॉइंट। पिछले टाइम जब ये दो टीमें भिड़ी थी तब भी पवन सहरावत को वैभव गर्जे ने बार बार टैकल करके बाहर रखा था, तो आज भी दिक्कतें हो रही है पवन सहरावत को।
पहली बार वैभव गर्जे के और यहां पर मनिंदर एक बार फिर कामयाब। और बड़ा शिकार किया है मिलाद जबारी जिन्होंने आज 6 points कमाए हैं टैकल में डिफेंस में। डू ऑर डाई रेड प्रफुल जावरे अच्छे संकेत दिखाए हैं प्रफुल जावरे ने अपने रेडिंग के साथ अभी तक इस सीजन भर। 14 असफल टैकल्स भारी पड़े हैं तेलुगु टाइटंस को जहां केवल 3। ये सफल टैकल है बंगाल वॉरियर्स का। बोनस पॉइंट तेलुगु टाइटंस। और कैमरे का भी यहां टीम के डिफेंस में टो टच करना चाहते थे नितिन। रॉब सुपर टैकल की सिचुएशन है और यहां रॉब सुपर टैकल हो गया लेकिन एक डिफेंडर भी जाएगा। सुपर टैकल 2 points तेलुगु टाइटंस 1 point बंगाल वॉरियर्स। रॉब सुपर टैकल यहां कामयाब हुआ उनका जिक्र कर रहे थे संजय था वो जर्सी पुल नहीं था वो ये कह रहे थे कि रेडर ने डिफेंडर को बाहर पुल किया है कोर्ट के तो वो क्लेम कर रहे थे श्रीनिवास रेड्डी। सुपर टैकल पर ज्यादा भरोसा दिखाने की कोशिश पवन सहरावत गए हैं 6 के डिफेंस में। बोनस मिल सकता है बोनस की कोशिश करेंगे वैसे भी ज्यादा बोनस लेते हैं और यहां बढ़िया टच किया रनिंग हैंड टच वैभव गर्जे को बाहर किया पवन सहरावत ने और यहां पे ये फ्लाइंग हैंड टच करते हुए पवन सहरावत ने वैभव गर्जे को डिफेंडर वैभव गर्जे के तौर पर मनिंदर आए हैं 4 का डिफेंस मनिंदर के लिए अंदर गए लेकिन डिफेंस साहस नहीं जुटा रहा है पीछे से उन्हें घेरने का। ये देखिए सामने गए ब्लॉक किया मोहित ने मोमेंटम तोड़ा और उसके बाद पूरा का पूरा डिफेंस एक साथ टूट पड़ा। मोहित राठी सिंगल आए थे ब्लॉक के लिए और उसके बाद पूरे टीम ने हेल्प किया सपोर्ट दिया और ये अलग अलग टीमों के बीच जो कश्मकश देखी यहाँ पवन सहरावत को अब देखना है आखिरी 10 मिनट में क्या कुछ कर सकते हैं। डू ऑर डाई मैट पर गए लॉबी के सहारे निकले बढ़िया पॉइंट यहाँ पवन सहरावत का श्रीनिवास रेड्डी भी खुश हो गए बहुत ही बेहतरीन ये पॉइंट पवन सहरावत का रनिंग हैंड टच टारगेट करके गए थे पता था उनको शुभम शिंदे पे वो अटैक करना है मोमेंटम बना रहे अपने टीम के लिए धीरे धीरे 9 points का हो चुका फासला विश्वास आए हैं कितने पॉइंट्स बिल्कुल एस्केप अच्छा था बोनस करने की कोशिश थी चकमा दिया 125 कॉर्नर को रेडर सेव 3 points बंगाल वॉरियर्स तो एक सुपर रेड यहां पर पूरा किए विश्वास चैलेंज एक कमबैक की उम्मीद थी पर उस पे पानी फेर दिया विश्वास ने यहां पे फिर से जिम्मेदारी होगी पवन सहरावत पे एक बड़ी रेड लगाए टाइम गया नहीं है अब तक कमबैक हो सकता है अभी भी ब्लाइंड हो गए पवन सहरावत पूरी तरह से उन्हें इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि लेफ्ट कॉर्नर से कोई आ रहा है उन्हें घेरने के लिए फॉलो किया हर्ष लाड ने पवन सहरावत को क्लूलेस रह गए पता नहीं था क्या करेंगे जो एक कमजोरी मानी जा रही थी उनकी उस पर बेहतर काम किया है। यहाँ सुपर टैकल की स्थिति है 3 सुपर टैकल्स पूरा कर चुके हैं तेलुगु टाइटंस लेकिन उसके बावजूद 13 पॉइंट्स पीछे हैं। किस तरीके से नितिन कुमार इस रेड में काम करके दिखाएंगे एक बार फिर से सुपर टैकल की कोशिश यहाँ एक पॉइंट मिला ऑल आउट के करीब आए तेलुगु टाइटंस बिल्कुल ऑल आउट की दहलीज पर पहुंच गए एक बार फिर तेलुगु टाइटंस मुश्किल का समय उनके लिए जिसका फायदा मिल सकता है आने वाले पलों में क्योंकि ये कश्मकश जारी है मल्टी वन अंदर ये तो मुफ्त में पॉइंट मिल गया रशांक बंगाल वॉरियर्स बिल्कुल ये गिफ्ट कर दिया एक गौरव तैयार है मनिंदर को वो पॉइंट और मनिंदर ने आज ऐसे पॉइंट 2-3 बार लिए इस मैच में संजय दा पीछे से ललचाते डिफेंडर को आने पर मजबूर करते और एस्केप कर लेते बिल्कुल बहुत अच्छा पूर्वानुमान मनिंदर का कुल मिलाकर 8 रेड पॉइंट्स मनिंदर भले ही बहुत ज्यादा चलते ना दिखाई दे और यहां डैश आउट पवन सहरावत फिर डैश आउट कर दिए गए जसकीरत ने उन्हें बाहर किया इन पोजीशन से आए थे जसकीरत बहुत ही बेहतरीन डैश वैभव गर्जे के पहले जसकीरत ने वो इनिशिएट किया वॉरियर्स ने टाइटंस के खिलाफ 5 मिनट का वक्त अब भी बाकी और टाइटंस की पकड़ से अब ये मुकाबला बाहर दिखता हुआ मुकाबला अगर ऐसे ही चला तो वॉरियर्स आज नंबर 9 से नंबर 7 पर चले जाएंगे और स्कोर डिफरेंस उनका बहुत बेहतर हो जाएगा
इस मुकाबले से पहले माइनस 35 था और चूंकि 20 पॉइंट की लीड पर हैं तो वो माइनस 15 बचेगा। टीवी एम्पेयर बंगाल वॉरियर्स चैलेंज वन टच पॉइंट आवर एडिशन नो टच पॉइंट प्लीज रिव्यू। तो हल्का सा टच नजर आ रहा है संजय दा, ऐसे समय पे डिफेंडर को पता नहीं चलता कि टच हुआ है करके। रिव्यू सक्सेसफुल वन टच पॉइंट वन पॉइंट बंगाल वॉरियर्स टच पॉइंट और चैंपियन हमें मिलेगा 1 मार्च को। तो ये 3 तारीख हम जानते हैं आपके जहन में पूरी तरह से बैठी हुई हैं, लेकिन फिर भी ये इंश्योर कर लीजिए कि ये मुकाबले आप चूके नहीं। और यहां ऑल आउट के नजदीक पहुंचेंगे या शंकर कदई बच जाएंगे। टीवी एम्पायर बंगाल वॉरियर्स चैलेंज ऑल आउट 3+2 5 पॉइंट्स आवर डिसीजन ओनली 2 पॉइंट्स प्लीज रिव्यू। बिल्कुल 2 पॉइंट तो क्लियरली दिखे गए हमें, मिला जबरी मोहित राठी ये दोनों गए थे पहले टैकल के लिए। ये देखना होगा कि मिड लाइन क्रॉस करने के पहले शंकर गदई पे हाथ नितिन कुमार का लगा है या नहीं। रिव्यू सक्सेसफुल ऑल आउट 3+2 5 पॉइंट्स बंगाल वॉरियर्स अगले मैचेस के लिए अगर जरूरत पड़े उनका इस्तेमाल हो। प्रफुल्ल जावरे आए थे 1 पॉइंट का दावा करते हुए, 1 पॉइंट मिलेगा उन्हें। 3 मिनट्स केवल 3 मिनट का वक्त बाकी है इस मैच में और यहाँ मल्टी पॉइंट रेड एडवांस आए थे कपिल गुज्जर और जसकीरत सिंह। खोया अपना पवन शेरावत ने लॉबी में चले गए। दर्शकों के सामने प्रफुल्ल जावरे एक बार फिर से सुपर टैकल की स्थिति है और आखिरी क्षण पर दीपक का जबरदस्त टैकल बंगाल वॉरियर्स रफ सुपर टैकल मगर की चक्कर से बचना है नामुमकिन। दीपक शिंदे का प्रफुल्ल जावरे के ऊपर कंट्रोल करके और एक बार फिर यहां अब उल्टा वॉरियर्स के पास सुपर टैकल की सिचुएशन और ये रॉक सुपर टैकल कामयाब हो गया। सुपर टैकल 2 पॉइंट्स दीपक अर्जुन शिंदे ने बिल्कुल बच नहीं पाए पवन शरावत अपने आप को आजमाने की एक एक अच्छा मौका है उनके पास। अच्छी जंप आगवान की ओर से लेकिन फंस गए। कोशिश थी मल्टी पॉइंट रेट की लेकिन बाहर जाना होगा। तेलुगु टाइटंस एस्केप कर नहीं पाए। मोहित राठी ने वो मोमेंटम तोड़ा पूरा डिफेंस उनका साथ देता हुआ लगातार अपने बेंच को अपने बेंच टेस्ट को टेस्ट करते हुए बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हुए यहां यहां फंस गए। सुपर टैकल की स्थिति थी लेकिन तेलुगु टाइटंस को ये पॉइंट मिला और क्या 1 पॉइंट मिला 2+2 4 पॉइंट्स और उसके साथ साथ ऑल आउट किया तेलुगु टाइटंस ने बंगाल वॉरियर्स को। जिंदगी में घर बनाने का मौका एक बार मिलता है लेकिन ऑल आउट के बाद आप ऑल इन आ सकते हैं। तेलुगु टाइटंस ने ऑल आउट किया पहली बार लेकिन केवल 7 सेकंड बाकी है इस मैच में। बिल्कुल एक डिफेंडर जो सेल्फ आउट हुए उसके बाद जसकीरत से गलती करवाई प्रफुल्ल जावरे ने और यहाँ पे पवन शेरावत राइट कवर पोजीशन पे थे फिर से वो रिस्ट होल्ड एल्बो होल्ड वो देखने मिला हमें। तो सीजन 10 में बंगाल वॉरियर्स ने दूसरी बार तेलुगु टाइटंस को हराया और दोनों बार 20 पॉइंट के फासले से पराजित किया। पिछले मुकाबले में 46-26 था इस मुकाबले में 55-35 है। तो चलिए अब नंबर 7 पर पहुंच गए हैं वॉरियर्स।